मैं हूं फैयाज, आंखों देखी मैं आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के रांची पर उपस्थित हूं। सामने ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके आवास ग्रामीण विकास मंत्री के आवास हैं और यहां पर पंचायत सचिव लोग पहुंचे हुए हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि पूरे झारखंड के अंदर पंचायत सचिव आज कई दिनों से कंटिन्यू हड़ताल पर है। इन लोगों की कुछ मांगे हैं, वो क्या क्या है और किन समस्याओं को लेकर ये लोग अभी तक हड़ताल पर हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अपना पहले परिचय बताएंगे। मेरा नाम हुआ अशोक कुमार सिंह और हम पंचायत सचिव संघ के राज्य के मुख्य संरक्षक हैं और ऑल इंडिया के हम राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। देखिए, आज माननीय मंत्री जी डॉक्टर इरफान अंसारी के आमंत्रण पर हम लोग वार्ता के लिए पहुंचे थे इन्हीं पंचायत सचिव के मुद्दों को, क्योंकि समूचे राज्य में पंचायत सचिव हड़ताल पर है, योजनाएं ठप है और हम कोई तुरंत आनन फानन में नहीं गए। हमने दिसंबर में नोटिस दिया, जनवरी में नोटिस दिया, फरवरी में नोटिस दिया, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी जिला स्तर पर, कभी राज्य स्तर पर बात होकर ही हम हड़ताल पर गए। इसलिए मंत्री जी को यह भी मालूम होना चाहिए कि यह कोई नया कोई ना घोषणा नहीं कर दिया और संयोग है कि माननीय मंत्री सामने यह मुद्दा आ गया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है मात्र 2000 ग्रेड पे में पंचायत सचिव काम कर रहे हैं, जबकि चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो है वह 1900 और 1800 के ग्रेड पे में है। यानी 100 रुपये के अंतर में जो पंचायत सचिव जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर सारा योजना और सारा प्रमाण पत्र तैयार करने वाले कर्मचारी का मतलब 100 रुपया के अंतर। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि इसको ज्यादा नहीं, मात्र 400 रुपया बढ़ाकर और आप हमको 2400 ग्रेड पे कर दीजिए। 2000 हमको मिल रहा है, उसको 2400 कर दीजिए। दूसरा हमारा था कि जो आप बीपीआरओ के पद पर प्रमोशन देते हैं 25% के पद पर वरीयता के आधार पर, तो उसमें 5% भी आदमी प्रमोशन नहीं ले पाता है, इसलिए आप 10% कम से कम दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि कम से कम 10% आदमी 50% के प्रमोशन में चले जाएंगे। हम लोगों ने यह भी कहा कि पंचायत सचिव एक ऐसा संवर्ग है जो पंचायत सचिव में बहाल होकर पंचायत सचिव में 95% रिटायर हो जाता है, तो उनका कम से कम ग्रेड पे के मामले में अगर उनका वरीयता बनाई जाए। कैसे बनाया जाए? अरे, कनीय पंचायत सचिव होंगे, उच्चतर पंचायत सचिव होंगे, वरीय पंचायत सचिव होंगे, पंचायत सचिव प्रधान होंगे, अगर 3-4 तरह का प्रमोशन कैसे होता है? आईएएस पदाधिकारी में, आईएएस पदाधिकारी में देख रहे हैं अपर सचिव है, उसके बाद है चीफ सचिव है, उसके बाद आप देख रहे हैं प्रधान सचिव है, तरह तरह का जगह बना दिया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है? कि उनके वरीयता और उनकी उच्चतर योग्यता के आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाता है। उसी प्रकार जो पंचायत सचिव आज बहाल हुआ, जो 10 साल से काम कर रहा है, जो 25 साल से काम कर रहा है, जो 30 साल से काम कर रहा है, उनके अंतर में तो कुछ तो प्रावधान होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के उनसे आज हम लोग वार्ता करेंगे और हमने कहा पंचायत सचिवों को बहुत सारी समस्याएं भी है कि लोकल स्तर पर जो स्थिति उनकी है, न कोई टीए का कोई अलाउंस है, आधा पैसा तो उनको घूमने में बीत जाता है, मोटरसाइकिल में तेल भरा करके पंचायत घूमने में। एक एक पंचायत सचिव को 3-3 को पंचायत का प्रभार दे दिया जाता है। अब दिन भर अगर एक मोटरसाइकिल चलाएगा तो महीना में एक नया पैसा नहीं मिलता। इसलिए आज हम लोग उनसे मिलने आए और हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनको लगता होगा कि चुनाव के अवसर में तो आएगा ही ना, ऐसे अवसर पर ही नेताओं के पास हम लोग आते हैं कि ताकि वो जाने के पहले हमको कुछ दे दें। अब इसको इस ढंग से कहेंगे किसी ने बहका दिया, सरकारी कर्मचारी कौन बहकाएगा? 30 साल तक 35 साल तक ये को पहली हड़ताल है क्या? ये हड़ताल तो हम लोग किसी की सरकार हो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं, तो किसी पार्टी को यह औकात नहीं है कि उसको बहका दे, क्योंकि इतना ट्रेड यूनियन में पढ़ा लिखा लोग है कि वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर, आज अगर वो मांग पूरा कर देंगे जिंदाबाद यहीं से शुरू हो जाएगा, अगर मांग नहीं पूरा करते हैं मुर्दाबाद भी यहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि न डर है और न दलाली है कि आपने मांग दे दिया इसलिए आपका जिंदाबाद होगा। इसलिए वैसी सरकार जो हमारा मांग समय पर देता है उसका जिंदाबाद करते हैं। उम्मीद है कि युवा मंत्री है, निश्चित तौर पर पंचायत सचिवों के मामले पर ये ध्यान देंगे और अपना जिंदाबाद कराएंगे, पार्टी का भी जिंदाबाद कराएंगे और भविष्य भी अच्छा रहेगा। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं। सर, आज से पहले और भी कोई वार्ता और मीटिंग हुई थी? आज से पहले कल संध्या को सिर्फ इनसे मीटिंग हुई थी और उन्होंने क्या क्या बातें सामने उन्होंने कहा था कि ये मांग बहुत आसान है, हम इसको कर लेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि ये मंत्री जी हैं, इनके सेक्रेटरी इनको क्या बताएंगे? तो इनको अगर अड़ना पड़ेगा, अगर ये न्याय देना चाहते हैं तो सेक्रेटरी पर दबाव बनाएंगे कि नहीं ये जरूरी है आप दीजिए, तो ये इनको करना होगा। अगर सेक्रेटरी की बात सुन करके ही रह जाएंगे तब तो हम समझते हैं कि मामला बनेगा नहीं, और पंचायत सचिव जो आशा लेकर इनके पास आया उनकी आशा पूरी होगी नहीं, और जब आशा नहीं पूरी होगी तो आंदोलन भी तेज होगा, आंदोलन भी चलता रहेगा, ये परेशानी है।
अभी सरकार जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, आप लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आप लोगों को अफसोस नहीं लगता है? मंत्री जी से ज्यादा अफसोस हम पंचायत सचिवों को है, इसलिए अफसोस है कि जिंदगी भर हम सब नौकरी कर रहे हैं और जब जनता को कुछ मिलने का मौका आया, सरकार अगर कुछ देना चाहती है तो वैसे टाइम में हम सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए दोषी हम नहीं है, अफसोस हमको है, इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार इसलिए दोषी है कि आज अचानक अगर हम हड़ताल पर उतर जाते तो सरकार कहती कि आपने पहले कोई सूचना नहीं दिया। हम दिसंबर से लगातार जिला स्तर पर प्रदर्शन धरना, राज्य स्तर पर प्रदर्शन धरना, और तब हम 22 तारीख से हड़ताल पर है, जबकि हमारा मामला मात्र 15 मिनट का है। अगर सेक्रेटरी को बैठा के 15 मिनट के अंदर में अगर चाहे तो मेरा तुरंत कार्रवाई संपन्न हो जाएगा, इसलिए अफसोस हमको है कि हम चाहते हैं कि जल्दी हड़ताल तोड़ा लें ताकि हम जनता के बीच में जाकर सरकार लोकप्रिय सरकार है कि इस सरकार का हम योजना उनके बीच ले जाकर के दें, क्योंकि हम लोग इस सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं और हम मांगते भी उसी से ना जो सरकार देती है। जब ये सरकार देने वाली है तब तो हम आज हड़ताल पर आए, अगर हमको मालूम होता कि सरकार नहीं देगी तो हम हड़ताल पर काहे आते, इसलिए इन्हीं बिंदु को लेकर हम लोग आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आंखों देखी न्यूज चैनल से बात करने के लिए। मैं मंत्री साहब से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सर आप देख रहे हैं कि सामने मुश्किल से 10 दिन बचा है फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा, अगर इन लोगों की जायज मांगे हैं तो आप पूरी करने की कोशिश करें, ताकि जैसे आपने सुना कि यहीं से या तो जिंदाबाद होगा या फिर मुर्दाबाद होगा। सर आप अपने स्तर पे देखें, अपने दिलों पे ले, दिमाग में ले कि ये बात कहां तक जा रही है कि या तो यहीं से जिंदाबाद या फिर यहीं से मुर्दाबाद। इस बातों को आप अपने नजर पर रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए इन लोगों की अगर जायज मांगे हैं आप कर पा रहे हैं इनकी जायज मांगों को पूरी, तो अवश्य करें और जरूर करें, क्यों कि बहुत बड़ा इसके पीछे आपका जो साजिश है, खेल है, वो आप देख ही रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इन छोटी मांगे इन तमाम पूरे झारखंड के पंचायत सचिवों के दिल को और इनके घर परिवार को खुश कर देंगे। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, शुक्रिया। आप देख रहे हैं, आपकी देखी।